होगा, मुझे बताइए मेरा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग रक्षा चला रहे हैं और जेल से निकले हुए लोग मुल्क चला रहे हैं। और तस्वीरें दिखाइएगा जो प्रधानमंत्री अंदर गए हैं, कहीं इसमें भी कोई साजिश तो आपको नहीं दिख रही है? फिजूल खर्ची हो गई है क्योंकि मोदी जी ने बनवा दी। रुको जरा, सबर करो। देखिए मोदी जी कोई घर से पैसे लेके आए, सरकार बनवा रही है। पहले फिजूल खर्ची जयराम जी ने, फिर कहूंगा मोदी जी ने बनवा दी। मोदी जी अपने मामा जी। और देखिए देश में जो ये गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? आप इतने उम्मीद मत रखिएगा कि मीडिया में जाएंगे, किसी नेता से कहिएगा कि बताओ कितना स्कूल बना है, तो आपको मीडिया वाला बर्दाश्त करने देगा। तुरंत एंकर कहेगा अच्छा रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, और 5 मिनट में आपका व्यवस्था कर देगा कैमरा बंद करके। समझा कि पैसा देता है सब। हम लोग कहता है खान साहब ई बात बस बोल दीजिए, जितना पैसा कहिएगा। हम कहें कि तू हमारा कौन चीज समझता है, सड़क छाप। मेरे को बात पूरी तो करनी थी। आप जो बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं, वीडियो चला दीजिए, ऐसा विचार तो उन्होंने कभी नहीं रखा। वीडियो चला दीजिए, जरूरी नहीं है, वीडियो चला दीजिए। आप एक मिनट, मेरे को बात पूरी नहीं करने दे, मुझे इसमें तकलीफ है। अच्छा चलिए, आप उनकी वकालत कर रहे हैं, पूरा देश देखता है कि आज मीडिया कैसे वकालत कर रहा है। नहीं मैं मुझे बुला के मुझे ही बोलने का मौका नहीं देते, ये भी तकलीफ है मुझे। ये भी देश देख रहा है कि पूरा मौका दिया आपको बुलाया करना, वो तो चाहते ही हैं कि आप ना बुलाया करें मुझे। ये भी पूरे देश देख रहा है कि पूरा मौका दिया। मैं जानता हूँ कि आपको डांट पड़ेगी आज उनसे, कस के डांट पड़ेगी, उसी की अभी आप सफाई तैयार कर रहे हैं कि देखो मैंने उसको बोलने नहीं दिया जी, बीच में टोक दिया। मैं देखिए आप मेरे को बोलने दीजिए, बिल्कुल उसके बाद बोल लीजिएगा जी। जो मैं बोल रहा हूँ पेन दे दो भाई इनको, ये लिख लेंगे जो भी इनको काटना। बोलिए बोलिए, पेन ले लो आप। गजब बेइज्जती है। मीडिया वाला था, महिला थी, अब नाम नहीं लेंगे बेचारी उसकी, वो हमसे कहती थोड़ा सा जीडीपी बजट आया, जीडीपी बहस कर। हम कहे जीडीपी 3 टाइप का होता है, बताइए आपको तीनों पता है? काम तो एक ही जान रहा। जो फोटो 2002 में चली थी, 2002 से बराबर है, देश विदेश में डॉक्यूमेंट्री में मीडिया में टीवी में चैनलों में, लेकिन आज तक गुजरात का कोई भी बीजेपी वाला आरएसएस वाला आज तक कोई मेरे पास आके मुझे कुछ मिला नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए, इसकी 2 तस्वीर की वजह से मैं ऊपर बहुत आफत आई, बहुत मुसीबत आई, वो सबका सामना मैंने अकेले ने भी किया है, ठीक है, लेकिन इनकी ओर से कभी मेरे को कोई मदद नहीं मिली है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। देखो अगर आप बिल्ली पाल लीजिए, कुत्ता पाल लीजिए, एनिमल लवर, और भैंस पाल लीजिए, बकरी पाल लीजिए, गाय पाल लीजिए, गंवार। इस देश में सबसे बड़ी आबादी तो मेरे ख्याल से पौधों की होगी, नहीं है क्यों भाई बाबू जी, ईसाइयों की ना, सिखों की नहीं, सबसे बड़ी आबादी तो मुसलमानों की है मेरे ख्याल से, नहीं, किसकी आबादी सबसे ज्यादा है, किसकी है, जोर से बोलिए। तो सबसे ज्यादा महंगाई की मार कौन झेल रहा है इस देश में, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। हम मुसलमान हैं और हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे, हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे, हिंदुस्तान के लिए मरेंगे, ठीक है, ठीक है। 1965 की लड़ाई में हम मुसलमान थे, अमेरिका का टैंक आया जो किसी से नहीं टूटता था, वो हमने तोड़ा, हमारे भाई ने तोड़ा था, अब्दुल हमीद ने, देखा ना, अब्दुल हमीद ने पता था कि ये 6 पैसे टूटेगा, सारा वो तोड़ा। बात तो सही है। लोग कहते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार है एक फायदा है कि यहाँ दंगे दोबारा नहीं हुए। अरे मैडम, दंगा करने वाले जब को सत्ता मिल गई तो दंगा कौन करेगा, मेरे जैसा थोड़ी दंगा करने निकलता था। और भारत माता की जय के नारे लगते हैं, उसमें इंडिया माता की जय के नारे फिट हो पा। रुको जरा, सबर करो। आपके सवाल का मेरे पास एक जवाब भी है और उत्तर में सवाल भी है। आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया से चिढ़ है, आपको इंडिया से दिक्कत है, चले जाइए पाकिस्तान। मंत्री के सम्मेलन के लिए महीनों से दिल्ली को सजाया जा रहा था, दीवारों पर रंग रोगन, फुटपाथ पर गमले, और गरीबों के घरों के आगे पर्दा लगाया जा रहा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। और जहाँ पर्दे से काम नहीं बना, उनका आशियाना ही उजाड़ दिया गया, ताकि साहब विदेश में जो डंका बजने का दावा करते हैं उसकी हवा ना निकल जाए,
दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों को मोदी साहब का फर्जी विकास न नजर आ जाए। अभी और सुनिए, साहब का फरमान लिए पहुंची प्रशासन ने इनके घरों को उनकी आंखों के सामने मिट्टी में मिला दिया। उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरा परिवार दर दर भटक रहा है और उधर मोदी जी दुनिया के सामने फर्जी वाहवाही लूट रहे हैं। सबका साथ कहकर सत्ता में तो आए और अब केवल अपना विकास और अपने मित्रों का विकास कर रहे हैं। बात तो सही है। और नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। जितनी स्पीड वंदे भारत की है उतनी स्पीड नॉर्मल ट्रेन की है। बस अब वंदे भारत को चलती है तो सारा स्टेशन खाली करा दीजिए। खाली कर दो यहाँ आरा बक्सर सब खाली करो। कौन जा रहा है? तो वंदे भारत। अरे उतना खाली मलगड़िया को दो ना, दगदगा के वंदे भारत को ना चोटिया के पीछे कर दिया तो कहिएगा। जी जरा एक बात उन पर आप कह दीजिए, राहुल गांधी जी विदेश में जाकर ही ये बातें क्यों उठाते हैं? और इस बार जब G20 चल रहा था तब वो यूरोप में बोल रहे थे, यूरोप में जहां जिन लोगों ने मणिपुर के ऊपर रेजोल्यूशन पास किया उन लोगों के बीच में राहुल गांधी जी थे। जी आपने एक बड़ी अद्भुत सवाल मुझसे पूछा, राहुल जी वहीं जाकर क्यों बात करते हैं? आई डोंट थिंक यू आर हाइबरनेटिंग अंडर अ रॉक ना, आप किसी रॉक के अंदर रह रहे हैं क्या? राहुल जी लगातार इन मुद्दों को यहां पर भी उठाते हैं और जब उनसे सवाल कोई विदेश में पूछता है तो वहां पर भी उठाते हैं। राहुल गांधी जी ने 5 दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मोदी जी ने दुनिया के मीडिया को यहां पर मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बुलाकर एक प्रेस वार्ता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस स्टेटमेंट नहीं कर पाए। मोदी जी प्रेस से बात नहीं करते, हाथ हिला के चले जाते हैं, आप लोग नारा लगाते रह जाते हैं। आप हिंदुस्तान में देखिएगा, किसी एक पक्ष अगर डिबेट में जाना छोड़ दे, आप देखिए हमारे देश को कुछ नहीं मिलता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊंच नीच के लड़ाने से। इसके रोकने का एक ही तरीका है कि आप एक पक्ष को कहिए कि तुम मत जाओ, जिसकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। खुलेआम बिका है सब मीडिया वाला, खुलेआम यहाँ पर। और मीडिया की गलती क्या, दूसरे के तन ढकते ढकते खुद नंगा हो चुका है, उसका आज कोई अस्तित्व नहीं बचा है। आज एक बच्चा को भी पता चलता है कोई झूठ बोला है तो कौन न्यूज चैनल पे बोल रहा है। देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए मैं ईश्वर का भक्त हूँ लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूँ। The next day, देश राम राज्य से ही चलेगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।